कि पुलिस और प्रशासन किस लिए है? जनता की रक्षा करने के लिए या जनता को परेशान करने के लिए? ये जमीन जो है सोचन तिवारी जी का है, जो कि पुश्तैनी जमीन है और गांव के आप हाँ, तो वो सब गुंडा है लो, क्रिमिनल है लो, तो हम लोग को धमका रहे लो, हम फिर कैसे करेंगे? नहीं जिएंगे, नहीं तो हम झांसी के रानी बन जाएंगे, जो सामने आएगा उसको कत्ल कर देंगे। कॉल नहीं उठा रहा सर, देखिए मुफसिल का लगातार 110वां कॉल है सर, कॉल नहीं उठा रहे मेरा सर। बोला है कि मेरा 20 लाख रुपया तुम्हारे बाप देगा, एक दिन राती के सब लोग आए, 20 लाख रुपया तुम्हारे बाप समर्थन किया, जबरदस्ती टांग के बैठा के लगे, जितना में मोटर लखन गोली दौड़ा दौड़ा के खदेरे लागल, भागल से तुरे लागल लोग, आ मालिक हमरा जे रह के उठा के ले गइल राती के, जे दौड़ा दौड़ा हमनी के खदेरल से। अचानक 3 या 4 गाड़ी से स्वयं बड़ा बाबू गए मुफसिल के, बड़ा बाबू गए, पंकज जी गए, और लोग को तो हम नहीं पहचानते हैं, 20-25 के संख्या में ये लोग था। ये लोग गाड़ी से उतरा, हमसे सवाल पूछा कि आप तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हम अपना बात बताए, बात बताते बताते वो लोग एक चौकीदार को आगे लाए, कागज दो कागज दो कागज दो, न जाने किस तरह का कागज वो लोग दे रहा था, लोग हमसे दबाव बना रहा था लोग कि इस पर दस्तखत करो। जब हम बिना पढ़े दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं हुए तो देखा जाइए, ये मेरा शॉर्ट फारे माथा फूट, बड़ा बाबू स्वयं जमीन मेरा अपना पुश्तैनी जमीन है सर, और यहाँ एक जाली नोट का तस्कर बसा है मुकुल झा सर, वो अपने आप को मृत घोषित कर दिया, उसका पैतृक निवास बैरगनिया है और फिर से यहाँ जाली नोट का काम कर रहा है। और भू माफियाओं के साथ मिलकर एक पक्षीय कार्रवाई करने का बेतिया मुफस्सिल थाना पर ग्रामीणों का आरोप। ग्रामीणों ने कहा, मुफस्सिल थाना के पुलिस अधिकारी थाना क्षेत्र में भू माफियाओं को कराते हैं जमीन दखली। भू माफियाओं के आतंक से त्रस्त है बर्वत परसरैन वार्ड 37 के ग्रामीण। ग्रामीणों का आरोप, दूर के रिश्तेदारों से पैसों के बल पर जमीन लिखवाकर पुलिस के मिलीभगत से जबरन किया जा रहा है कब्जा। भूमि मालिक को जबरन पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार और गुंडों को रात्रि में दी गई निर्माणाधीन चारदीवारी ध्वस्त करने की छूट। भूमि मालिक के गिरफ्तार करने और गुंडों के द्वारा निर्माणाधीन चारदीवारी ध्वस्त करने का वीडियो CCTV कैमरे में हुआ कैद। पुलिस अधीक्षक बेतिया को फोन करने के बाद भी घटना स्थल पर नहीं पहुंचे मुफस्सिल थाना की पुलिस। 10 नवंबर को उक्त भूमि पर पुलिस के सामने दोनों पक्षों में हुई थी झड़प। मुफस्सिल थाना ने कहा, जमीन पर धारा 144 लगने के बाद भी कार्य कराए जाने को लेकर पुलिस गई थी निर्माण कार्य पर रोक लगाने। मुफस्सिल थाने ने कहा, भू माफियाओं से पैसा लेने की बात है गलत, पुलिस विधि सम्मत करती है कार्रवाई। News 9 Times बेतिया से आशुतोष कुमार बनवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। बेतिया नगर निगम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 37 बर्वत परसरायन के सत्येंद्र तिवारी के पुश्तैनी जमीन पर कार्य कराने को लेकर गांव के कतिपय भू माफियाओं के द्वारा जबरन दावेदारी दिखाकर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसको लेकर थाना से लेकर अंचल तक आवेदन देकर पूरे मामले की जानकारी दी गई। परंतु भू माफियाओं ने अपने प्रभाव से पुलिस पदाधिकारियों को अपने प्रभाव में लेकर अपना कब्जा करने का प्रयास जारी रखा, जिसको लेकर दीपावली के पूर्व 10 नवंबर को डायल 112 के पुलिस के सामने दोनों पक्षों में मारपीट तक हुई, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए। उसमें भी ग्रामीणों का आरोप लगाया है कि पुलिस को पहले बुलाकर उनकी उपस्थिति में जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके पश्चात मारपीट हुई। इसके पश्चात भी मुफस्सिल थाना की पुलिस ने भू माफियाओं के साथ मिलकर जमीन को विवादित बनाकर धारा 144 लगवा दिया और उसके नोटिस को लेकर 13 नवंबर की रात्रि लगभग 11 बजे आकर भूमि मालिक सत्येंद्र तिवारी को नोटिस दिखाकर जमीन पर कार्य नहीं कराने की बात कही गई और इस बीच बहस हो गई, जिसके पश्चात पुलिस के अधिकारी सत्येंद्र तिवारी को
जबरन गिरफ्तार कर थाने ले गए। घर के लोग और ग्रामीण थाना पहुंचे और इधर भू माफियाओं के गुंडों ने जमीन पर पहुंचकर निर्माणाधीन दीवालों और पिलरों को तोड़ना शुरू कर दिया। सत्येंद्र तिवारी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने और गुंडों द्वारा जमीन पर तोड़ फोड़ और ध्वस्त किए जाने की घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और मुफस्सिल थाना की पुलिस पर जबरन कब्जा करवाने के लिए सत्येंद्र तिवारी को गिरफ्तार करने की बात बताई गई। ग्रामीणों और परिवार वालों ने मोटी रकम लेकर पुलिस द्वारा बरवत परसरायन की जमीनों पर कब्जा करवाए जाने का गंभीर आरोप भी लगाया गया। गुंडों को तोड़फोड़ करवाने की छूट देने के लिए जानबूझकर बिना कोई मामला दर्ज के भूमि मालिक को गिरफ्तार किया गया ताकि भू माफिया अपने गलत मंसूबों में कामयाब हो सके। सीसीटीवी कैमरे में कैद दोनों घटनाओं का फुटेज बेतिया मुफस्सिल थाना के ऊपर कई सवालों को जन्म देता है। साथ ही भूमि कब्जा करवाने के आरोपों से घिरी पुलिस की कार्रवाई संदेहास्पद बनी हुई है। जिस तरह से स्थानीय ग्रामीण थाना का विरोध कर रहे हैं, वैसी स्थिति में थाना की एक पक्षीय संलिप्तता से इनकार भी नहीं किया जा सकता। रात्रि 11 बजे जाकर धारा 144 की नोटिस दिखाने और तामिला कराने की बात स्थानीय लोगों को एक पक्षीय प्रभाव प्रतीत हो रहा है। बहरहाल पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है और ग्रामीण दोषी पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ अपना आवेदन एसपी, डीआईजी, डीजीपी को दे रहे हैं ताकि निष्पक्ष जांच और कार्रवाई हो सके। धारा 144 की नोटिस दिखाने और तामिला कराने की बात स्थानीय लोगों को एक पक्षीय प्रभाव प्रतीत हो रहा है। बहरहाल पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है और ग्रामीण दोषी पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ अपना आवेदन एसपी, डीआईजी, डीजीपी को दे रहे हैं ताकि निष्पक्ष जांच और कार्रवाई हो सके। न्यूज 9 टाइम्स। ये बताइए, अभी आप लोग इकट्ठा हुए हैं, आप लोग ग्रामीण हैं, ये क्या मामला हुआ है, क्या चीज रात में यहाँ पे हुआ है, इस घटना की जानकारी है आपको? देखिए, सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से या बिहार के जो भी अधिकारीगण यहाँ पे हैं, जनता की रक्षा करने के लिए जिनका नियुक्ति हुई है, कि पुलिस और प्रशासन किस लिए है? जनता की रक्षा करने के लिए या जनता को परेशान करने के लिए? ये जमीन जो है सोचन तिवारी जी का है, जो कि पुश्तैनी जमीन है, और गांव के आप 1000 ग्रामीण से बुला के पूछ लीजिए, हर एक आदमी यही करेगा। कोर्ट पुलिस में इसका कागजात भी जमा है, लेकिन पुलिस आती है पहले, जो यहां के जमीन माफिया हैं वो खरीदते हैं किसी से जमीन अनलीगल, फिर जब वो कब्जा करने आते हैं सफल नहीं हो पाते हैं, ग्रामीण यहाँ विरोध करते हैं, उसके बाद पुलिस आती है यहाँ, उस पुलिस का सहारा लेते हैं, पुलिस पैसे लेती है। इस चीज़ का प्रमाण आपको इस चीज़ से मिलेगा कि परेशान करने के लिए दो दिन पहले जो जमीन मालिक हैं उनका बाइक यहाँ से उठा लिया गया, उसके 9 बजे रात को उन पे FIR दर्ज कर दिया गया, बिना किसी अपराध के FIR दर्ज कर दिया गया, बाइक उठा लिया गया, पुलिस दगस्ती करने लगी कि उनको उठा ले जाएंगे। उसके बाद वो जमीन का जब निर्माण चल रहा था, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, कल रात को सोचन तिवारी जी यहाँ अपने जमीन पर बैठे थे अपनी फैमिली के साथ, उसके बाद जब देखा माफियाओं ने कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तो पुलिस पहले आई सोचन तिवारी जी को उठा के ले जाती है, उसके बाद वो खबर करती है माफियाओं को, माफिया आते हैं, कम से कम 10 लोग आते हैं, और ये देखिए सारी चीज़ें, निर्माण को तोड़ दिया जाता है, वहाँ मोटर था उसको काट लिया जाता है, और फिर पुलिस लेके चली जाती है, उनको धमकी देती है कि आप इस पेपर पे साइन कीजिए। सोचन तिवारी जी अभी भी थाने में है, हम 500 ग्रामवासी अभी जा रहे हैं SP के पास, हर चीज़ को प्रोसेस से करेंगे। अगर थाने से तो हमें नहीं मिला, कुछ हेल्प नहीं मिला, उल्टा हमें सताया जा रहा है ग्रामीणों को। अगर SP ऑफिस से होता है तो होता है, नहीं तो ग्रामीण मुख्यमंत्री जी के आवास पे जाएगी और इस चीज को ऊपर लेवल तक एक्सलेट करेगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रितेश कुमार हुआ। घर बरवत पसराइन।
अच्छा एक चीज बताइए, ये जो जमीन जिनका है उनके आप क्या लगते हैं, कुछ लगते हैं आप? नहीं, हम कुछ नहीं लगते हैं, हम ग्रामीण हैं, हमारी भी जमीन है। अगर एक आदमी नहीं संभला तो पूरे गांव के जमीनों को, और एक मामला और एक आदमी का मामला नहीं है। आप यहाँ रोड पे चलिएगा तो कम से कम 10 लोग ऐसे हैं जिनकी जमीन को ऐसे कर दिया गया है। इसमें पुलिस की क्या संलिप्तता? पुलिस की यही संलिप्तता है कि हर वो पैसे लेती है, और आके पहले जब माफियाओं से कब्जा नहीं होता है तो प्रेशर बना के पहले उठा के ले जाती है। फिर हर कोई नहीं चाहता है कि कोई भी केस मुकदमे में फंसे, हर कोई शांति से जीना चाहता है, फिर सोचता है कि क्या करेंगे, बाद में प्रेशर में आके जमीन को माफियाओं के नाम कर देना पड़ता है। फिर उसके बाद माफिया को और पुलिस को शेयर मिल जाता है, जमीन वाले का जमीन गया। अब ये गांव जग चुका है और पूरा गांव जाएगा इसके विरोध में। अगर जरूरत पड़ी तो हम पटना तक जाएंगे, और उससे भी नहीं होता है तो दिल्ली तक जाएंगे। क्या आपके साथ भी कुछ घटना घटा? हाँ, हमारे साथ भी घटना हुआ। आज 5 महीना पहले हमारा जमीन दलाल लिखवा लिया है, लो प्रॉपर्टी वाला, वो मोहन कुमार है, करंगैया का एक पहाड़पुर का रहने वाला है, पर्वतिया टोला में रह रहा है प्रमोद सिंह और राघव जादव, ये तीनों मिल के हमारा जमीन लिखा लिया है लो। हम वहाँ पे जा रहे हैं तो हमको धमकी दे रहा है मारने के लिए, बोल रहा है तुझको बांस से मारेंगे। हाँ, ये जमीन हम लोग खरीद लिया है, तू कौन है इस पे आने वाला? हम जब जा रहे हैं थाना पे जा रहे हैं तो थाना हमको कोई सुनवाई ना दे रहा है। हाँ, पैसा दो तो हम जाएंगे। थाना प्रभारी भी कुछ भी नहीं बोल रहा है, सीओ भी नहीं बोल रहा है, वो एसपी नहीं बोल रहा है, हम डीएम के पास भी गए हैं, वो बोला ये क्या बोलती है, कौन जीती है यहाँ पे, गरिमा गरिमा के भी पास गए हैं, वो भी कुछ नहीं बोल रही है, बोल रही है अपना घरेलू मामला है, आप सलट लो, केस करो, कोर्ट में जाओ, हम गरीब आदमी हैं, हम खाएंगे, कमा के खाएंगे कि केस लड़ेंगे। थाना प्रभारी पैसा? हाँ, वो बोल रहा है कि जाओ आप सलट लो, बोल रहे हैं कि जाओ शनिवार को आओ जनता दरबार में, आपको निदान हो जाएगा। वहीं पे एक दो पुलिस था, वो बोल रहा है, दरोगा था, वो बोल रहा है कि बाद में उनको सेटल कर दिया, बोल रहा है कि हाँ हम क्या करेंगे, जाओ मारपीट करो, हम मारपीट के लिए आए, हम कुछ भी नहीं करेंगे, जाओ कोर्ट में जाओ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, हम लोग का गरीब आदमी का कोई जीना का अधिकार नहीं है। सब माफिया थाना लो, वो जो लिखाया है दलाल, वो आता तो पूरा थाना उझील के आके हमारे पति का हमारा बेटा का थाने पर लेके चले गए, हम जा रहे हैं वहाँ पे तो कोई सुनवाई नहीं, तो सब उठ उठ के जहाँ तहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ से उतना पैसा लाएंगे कि उन लोग को देंगे? वो पैसा ले आके उझील दे रहा है उनका, हमारा बात कोई नहीं सुन रहा है। हाँ, तो वो सब गुंडा है लो, क्रिमिनल है लो, तो हम लोग को धमका रहे लो, हम फिर कैसे करेंगे, नहीं जियेंगे, नहीं तो हम झांसी के रानी बन जाएंगे, जो सामने आएगा उसको कत्ल कर देंगे। अभी मोदी जहाँ पे है वहाँ पे सुनो, हम लोग को कोई जीने का अधिकार दो, नहीं तो हम जो करेंगे वो हद कर देंगे। हम लेडीज कोई महामूली नहीं है। नाम है आपका? नाम क्या है? हमारा नाम मीना देवी है। घर बर्वत पसराइन में है, थाना मुफसिल है, जिला पश्चिमी चंपारण है। हमारा 2 बेटा 1 बेटी है, हमारा बेटी सियान होगा या शादी करने वाला, हम कहाँ से लाके जमीन हम शादी करेंगे उसको? क्या मामला है कि सारे ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठा हुए? सर, ये जमीन मेरा अपना पुश्तैनी जमीन है सर, और यहाँ एक जाली नोट का तस्कर बसा है मुकुल झा सर, वो अपने आप को मृत घोषित कर दिया, उसका पैतृक निवास बैरगनिया है, और फिर से यहाँ जाली नोट का काम कर रहा है। और एक विजय यादव है सर, जो वार्ड में जीता हुआ है और बबलू दुबे मर्डर केस में कोर्ट में वांछित अपराधी है, और ये 2 आदमी और 4 आदमी मिलकर मेरा जमीन लिखा लिया है सर। और इसमें सबसे बड़ी बात है सर कि मुफसिल के भास्कर जी और देवेंद्र कुमार और पंकज सिंह बिका हुआ है, मेरे गाँव में कोई आदमी का जमीन पैसा लेके कब्जा करवा दिया। रात 10:45 मेरे चाचा को चोर की तरह यहाँ से उठा के जबरदस्ती ले गया, उसका सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है सर, आपको हम दे रहे हैं। बिहार पुलिस का बैच भी टूट गया है सर, और ले जाके डोल में मुंह में SLR लगा के जबरदस्ती पंकज सिंह बोल रहा है कि तुम सदर पेपर में साइन करो, और भास्कर बैठा हुआ था उसी में, भास्कर जी देवेंद्र कुमार कह रहा है कि तुम साइन करो, तुम्हारा आधा जमीन हमको तो मैनेज कराएंगे, हम 20 लाख रुपया मेरा फंसा हुआ है। अच्छा, ये जो आप बोले जमीन लिखवा लिया लो, किससे जमीन लिखवा लिया है लो कि वो लोग दावेदारी अपना दिखा रहा है? सर, मेरे बाबा की बहन की, मेरे बाबा की चचेरी बहन की पतोहू से। और ये आपका जमीन कहाँ से आया है आपके पास? ये मेरे पुश्तैनी मेरे बाबा खरीदे हुए हैं, मेरे पुश्तैनी जमीन है मेरा ही। उनका हिस्सा है या नहीं है? उनका हिस्सा पहले बिक चुका है सर, यहाँ बेच चुकी है, बेच के चले गए हैं, चली गई है बेच के। अच्छा, तो ये बताइए, बहुत पहले 100 साल पहले बेच चुकी है सर, मामला खत्म हो गया है। अच्छा, तो रात में जब उनके आपके चाचा को उठा के ले गया लो, हाँ, चोर की तरह सीसीटीवी भी है सर, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो ले गया लो वहाँ थाना में, चाचा को बंद कर दिया लो, और हम सबको थाना में बुला लिया लो, हम लोग थाना पे गए, उसके बाद भास्कर जी फोन किया और एक पुलिस वाला भी था उसमें भास्कर जी, और आके हमारा छड़की तुर दिया लो सर।
ये पूरा जो ढाया हुआ है पिलर वगैरह ढाया हुआ है कौन तोड़ा? एक तीन चार गुंडा था सर, एक भास्कर जी था और मुकुल झा उसमें था। अच्छा, उसमें सीसीटीवी कैमरा में है इसका? हाँ, मुकुल झा विजय जादव ये लोग सीसीटीवी में आ रहा है और उसमें एक पुलिस वाला लम्बा लम्बा से भास्कर जी नजर आ रहा सर, मेरा छड़के तोड़ रहा है। 20 लाख रुपया बिका है, मेरे चाचा को बोल रहा था कि तू सादा पेपर पर साइन कर, नहीं तो तुमको साला गोली मार के डोले में फेंक देंगे। धमकी दे रहा है थाना से देवेंद्र, हमको धमकी दे रहा है फोन करके सर, दूसरे नंबर से सर। अच्छा, इस संबंध में किसी वरीय पदाधिकारी को आपने सूचना दिया है? जी, एसपी को दो बार फोन कर चुके हो सर। क्या बोले एसपी साहब? बोले थाना जा रहा, थाना अभी तक नहीं आया सर। कितने बजे फोन किए थे पहला कॉल? पहला कॉल 6 बजे फोन किए थे सर, सुबह। हाँ, और उसके बाद 6:30 बजे, फिर तीसरा कॉल 7 बजे बात हुआ है, तीनों कॉल से। कितना बज रहा है अभी घड़ी में आपके? अभी मेरे घड़ी में सर बज रहा है 9:34 हो रहा है। 9:34 हो रहा है, यानी कि आप दो बार कॉल कर चुके हैं अभी तक 3-4 घंटा के अंदर में, लेकिन कोई नहीं आया? नहीं, अब मुफसिल को 100 बार कॉल किए, 100 बार। अच्छा, मुफसिल थाना से कोई सूचना आपके पास? नहीं, फोन नहीं उठा रहा है सर। फोन नहीं उठा रहा है? नहीं उठा रहा है। और आपके चाचा भी कहाँ है इस वक्त? मुफसिल में मैनेज के लिए फोन कर रहा है कि हमारा 20 लाख रुपया फंसा है, कि तो तुम दे दो। भास्कर जी बोल रहे हैं हमारा 20 लाख रुपया दे दो तो हम छोड़ देंगे, और नहीं तो जमीन आधा दे दो उसको सर। किसके लिए 20 लाख रुपया वो मांग रहे हैं? मुकुल झा से 20 लाख रुपया मैम बिके, 20 लाख रुपया उसको दिया है, मुकुल झा और विजय जादव ही लोग को। क्या नाम हुआ आपका, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विकास कुमार हुआ सर। घर कहाँ हुआ? बरौद पसराइन। वार्ड नंबर 37 हो गया सर। मेरी चाची है सर, जमीन हो गए, वो अपन बेच के सब चल गईली, हमने के अपन जमीन जोगौनी सन जो हमने के सर एसपी साहब को बार बार के अपन बाल बच्चा का सुखी हमने के एको बीता बेचनी सन, वो अपन ही से बेच के चल गई। तो हम निश्चिंत रहनी सन, ज्यादा अपन निश्चिंत से कोनो काम धाम आदमी करी कोनो हमने के गरज बा ना, तमे के बेची सन काहेला, त एबरे जोगा के रखनी सन तो बेचे खातिर बेचैन भेलखिए, बेचे में 4 गोरा पर्वतिया टोला के आ 1 नंबर में मुकुल जा, आई जबरदस्ती जमीन ओकरा से लिखवा के आ जमीन पर चढ़ेला तंदुरुस्त भई रहलो। ये दिन आई कैमरा के सामने देख सकते हैं सर कि मुफसिल के सामने कॉल हो रहा है, कॉल नहीं उठा रहा सर। देखिए मुफसिल का लगातार 110वां कॉल है सर, कॉल नहीं उठा रहे मेरा सर। बोला है कि मेरा 20 लाख रुपया तुम्हारा बाप देगा। एक दिन रात ही के सब लोग आए, 20 लाख रुपया तुम्हारा बाप देगा, 20 लाख रुपया कौन देगा मेरा। सब लोग दिन के आयल राती के जे जमीन हमने छेक लेम सन, जमीन हमने के छेक लेम सन, छेक लेम सन, छेक के खातिर सब 4 वर्ष से लोग तब हमने तो मन कर गए सन। श्रीमान एसपी साहब से निवेदन सर, जमीन छेको से सावधान सर। ये पूरा गांव का लोग त्रस्त है सर, जितने गरीब लोग है सर, जमीन छेकवा के थाने बोला के भास्कर फोन करके मारता है सर, और जमीन मैनेज करा दे रहा सर। हां सर, रहा जो कि हम लोग को जमीन से मुक्ति दिलाई जाए सर। जमीन के अपना रक्षा कैनी सन, आ रक्षा कैला के नतीजा कैल जा जे थाना उधर रात के आ के मिल के सारा तुरुआ के बताइए सर, मेरे चाचा जी को चोर की तरह भास्कर जी ले रहे हैं। समर्थन किया, जबरदस्ती टांग के बैठा के ले गेला, जितना में मोटर रहल हम गोली दौड़ा दौड़ा के खदेड़े लागल, भागे लन से तुरे लागल लोग, आ मालिक हमरा जे रहे ओकरा उठा के ले गेल गलो रात के, जे दौड़ा दौड़ा हमनी के खदेड़ल से लोग रात के। नाम हमारा कमला देवी। घर बरबत पसराइन। जमीन के कागज से संबंधित कभी कोई सूचना देले बानी मुफस्सिल थाना के? हाँ, दियाइल बा पहला हुरुरिया में पहले मैंने हाला गोली भइल, तो दो माने अइलन थाना प्रभारी, तो कहलन जब कागज दिखाइए, तो हमने कागज लेकर दे देनी सन। थाना प्रभारी देखनी सारा कागज के रास्ता देखनी, कहली नहीं आप वो लोग गलत कर रहा है, तो ये अपन लोग आ गई नहीं, तो ये बात बोले थाना प्रभारी कि वो लोग गलत कर रहा है? हाँ बोले थे। हाँ, सबके कागज एकदम बंटवारा लगौनी, बंटवारा लगवा के कागज रख दानी, और बोले कि जब बनवाइए हम कभी नहीं जाएंगे। पूरा पूरा लोग को दबाव दे रहा है, जे आप लोग क्यों जा रहे हैं, जे गांव के लोग के मैंने पैसा दे दे के सब मुंह रोकता रहे सन। ग्रामीणों के द्वारा कुछ देर पहले बताया गया है कि आपको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी, आप अभी बाहर हैं, बताइए क्या घटना हुआ था और कैसे आप बाहर आए हैं? सर 11 बज रहा था, लगभग 10 से अधिक हुआ था। हमारा घरदान पोखरा पर जमीन है, हम लोग दो हिस्सा में हैं, मेरा दो भतीजा है, भाई में हम अकेले हैं, हम लोग का 2 पाक है। वहाँ कुछ काम घर का हो रहा था, लेबर मजदूर चला गया था, सामान के सुरक्षा के लिए हम वहाँ मौजूद थे। हम अपने गेट के सामने खड़े थे, एक लड़का है मेरा ग्रामीण जो हमको चाचा कहता है, उसी से जब हम बात कर रहे थे, अचानक 3 या 4 गाड़ी से स्वयं बड़ा बाबू गए मुफसिल के, बड़ा बाबू गए, पंकज जी गए, और लोग को तो हम नहीं पहचानते हैं, 20-25 के संख्या में ये लोग था। ये लोग गाड़ी से उतरा, हमसे सवाल पूछा कि आप तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हम अपना बात बताए, बात बताते बताते वो लोग
एक चौकीदार को आगे लाए, कागज दो कागज दो कागज दो, न जाने किस तरह का कागज लोग दे रहा था, लोग हमसे दबाव बना रहा था लोग कि इस पर दस्तखत करो। जब हम बिना पढ़े दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं हुए तो देखा जाइए ये मेरा शॉर्ट फारे माथा फूट गया। बड़ा बाबू स्वयं हमको जबरदस्ती गाड़ी पर बैठाया गया और गाड़ी पर हमको चोर चुट्टा के तरह माथा पर मारते पंकज जी, आगे बड़ा बाबू स्वयं बैठे थे, मारते हुए चले और हमको थाना पर ला करके भद्दी भद्दी गाली दिया गया, हमको रात से यहाँ बंद करके रखा गया है। अभी अभी आपको कब छोड़ा गया है? अभी छोड़ा नहीं गया है, सुबह से ये लोग कह रहा है, चूंकि हम पूछे कि सर हम पर कौन सा आरोप है, ये लोग बात को टाल मटोल कर रहा है, कोई ठोस जवाब हमको नहीं दिया गया है। अभी पंकज सर के द्वारा हमसे कहा गया है कि आप आधार कार्ड लाइए, एक आदमी बेलर लाइए, उनको भी कहिए आधार कार्ड लाने के लिए, हम लोग आपको छोड़ रहे हैं। अच्छा, पूछे नहीं कि कल आप गिरफ्तार किए थे, किस लिए किए थे, क्यों किए थे? जी हम पूछे, इसके लिए कोई ठोस जवाब वो लोग नहीं दे रहा है। सादा पेपर, न जाने कौन सा पेपर पर उन लोगों को हथियार के बल पर, वर्दी के भय से रात के 10 बजे के बाद हमसे लोग तार जबरदस्ती लिखवा रहा था। पहले से आपके ऊपर कोई मुकदमा या किसी तरह का वारंट वगैरह लंबित है? आज तक किसी तरह का ना मुकदमा है, ना कोई हमसे, ना हम कोई अपराध किए हैं, ना उससे दूर दूर तक हमारा कोई रिश्ता नहीं। अच्छा, एक चीज और बताइए, ये जमीन से संबंधित जो विवाद हुआ है, ये पूर्व से थाना प्रभारी के नॉलेज में था या फिर नहीं था? उनको कागज आप पहले समझा चुके हैं या नहीं समझा चुके हैं? देखिए सर, हमारे खतियान में हम लोग 3 आदमी थे, हम लोग यही हैं, बाकी 2 व्यक्ति यहाँ से बेचकर चला गया। एक हमारे चाचा जी हैं, अपने ससुराल चले गए और मर भी गए, उनका बेटा है वो लोग वहीं रहता है। एक मेरी पटीदार की जो बहन लगेगी, बाजार समिति में लोअर पट्टी रहती है, बाजार समिति में भीख मांगती है, वो दिमाग की क्रेक है, भू माफिया उससे उल्टा सीधा अंगूठा का निशान ले लिया है और मेरे करोड़ों करोड़ों का जमीन भू माफिया उन लोग से लिखा लिया है। जो जमीन लिखा है उसका नाम है मुकुल झा, राघवेंद्र झा, एक और नाम है राघवेंद्र झा, विजय यादव, नहीं विजय यादव को हम नहीं कहेंगे, इसलिए कि मुकुल झा स्वयं हमारे पैक्स अध्यक्ष उपेंद्र तिवारी के सामने स्वीकार किया है कि जमीन हम लिखाए हैं और विजय यादव को बुलाए हैं। ना विजय यादव हमारे सामने कभी नहीं आया है, ना हम उसको पहचानते हैं, ना जानते हैं, ना हमको उससे विजय यादव से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ मुकुल झा को जानते हैं। और देखिए, थाना प्रभारी जानते हैं कि नहीं कि आपका कागज कैसा है या कभी आप दिखाएं कि नहीं थाना प्रभारी? सर मेरा खतियानी जमीन है, इसके लिए यहाँ से पदाधिकारी देवेंद्र सर नियुक्त हुए थे, देवेंद्र सर हमको बाई फोन बोले, हमको कहे कि अपना पेपर लाइए, हम एक दिन पेपर ला कर पहुँचा दिए, दूसरे दिन बुलाए, 2 घंटा लगा हम पेपर समझा दिए। अच्छा, तो पेपर समझने के बाद क्या बोले कि गड़बड़ है या सही है? नहीं 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 नहीं, देवेंद्र सर हमारा रिगार्ड किए, हमको समझाए कि भाई जमीन आप ही का है, आप चिंता मत कीजिए। क्या नाम हुआ आपका? सतेंद्र तिवारी। घर कहाँ हुआ? बरो पसराइन बगले में। अच्छा, रात भर पुलिस आपके साथ कोई तरह का कोई घटना? नहीं नहीं, थाना पर मेरे साथ कोई घटना नहीं, रास्ता में हुआ है, यहाँ तो कोई बदतमीजी नहीं, यहाँ नहीं किया सर। हम भी ये जो कल रात में मामला हुआ है तोड़फोड़ का, थाना के द्वारा जो उठा कर ले गया जी, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस संबंध? हम यही कहना चाहते हैं कि मेरे साथ भी यही घटना हुआ था कि मेरा भी जमीन मेरी सिस्टर लिख दी थी, वो जो कुछ लोग हैं दलाल यहाँ के और कुछ लोग लिखाने वाले परवटिया टोला के, वो लिखा लिए और थाना क्या किया, एक पैसा बना लिया है और जिसका भी जमीन है वो फुआ से बहन से लिखा लेता है और लिखा के थाना जाके वो जितना भी दलाल है, दलाल सबसे पहले कब्जा करने की कोशिश करता है, दलाल से तो कब्जा होता नहीं है, वो थाना से मिल जाता है और थाना मिल के क्या करती है कि वो अपना कमीशन बनाती है, 10-20 लाख रुपया कमीशन बना के और वो ये कर लेती है और वो क्या करता है कि वो पैसा देता है। क्षेत्र में आपका? हम मुफस्सिल थाना में। मुफस्सिल थाना जी। तो ये मतलब आप कहना चाहते हैं कि पुलिस ही इस जमीन छेकने में इन्वॉल्व? जी हाँ, इन्वॉल्व है, भास्कर जी है इसमें सबसे पहले, तो इस थाना प्रभारी जो भास्कर जी हैं वो मेरे साथ ऐसा किए हैं। अच्छा, तो आपका नाम क्या हुआ? अनिल कुमार। घर? बरत पसराइन।